नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, न्यू बेल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज 5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच सिंस द इकोनॉमिक वॉज इन रोबोट शेप द कंपनी डिसाइड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर Application for 28,000 shares were received and allotted was made to all the applicants. All calls were made and duly received, except the final call of Rs. 2 per share on 200 shares. So the share capital in balance sheet, New Bill Limited, as per Schedule 3rd of the Company Act 2013, also prepared notes to account for the same. अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या क्या है. न्यू बेल लिमिटेड ने रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल कितने का रुपीस का है? 5 लाख है. तो हमको जब इसके बैलेंस शीट बनाते हैं तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, पहले बैलेंस शीट है और किसका है ये, किस कंपनी का? न्यू बेल ऑफ, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ऑफ न्यू बेल लिमिटेड एज एट 31st March ईयर एनी एज्यूम ले लेते हैं कुछ भी. ओके, अब कंपनी कह रही है कि इसकी ऑथराइज कैपिटल है कितने की है? 5 लाख रुपीज की है. 5 लाख रुपीज की जो एक शेयर की प्राइस कितना बता रहा है? 10 रुपीज. तो अब देखो इसमें आप बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट, तो मैं बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स में पहले हम नोट्स टू अकाउंट की ओर आते हैं, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट से ही बैलेंस का टोटल कहाँ पे ट्रांसफर होती है? बैलेंस शीट में. अब नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000 इक्विटी शेयर है, यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, यानी कंपनी के पास जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है वो 50,000 शेयर पे है, जो एक शेयर की प्राइस कितना है? 10 रुपीज ईच का. तो टोटल रुपीज कितने हो गए उसकी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल? 5 लाख. एंड ऑफ. अब कंपनी ने ऑफर कितना किया है? कंपनी कह रही है कि कंपनी ने ऑफर जो किया सब्सक्राइब किया कितना? 30,000 इक्विटी शेयर. कंपनी ने इशू कितना किया? 30,000 इक्विटी शेयर, यानी इशूड कैपिटल में क्या आ गई? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. 10 ईच के हिसाब से कंपनी ने जो ऑफर किया हुआ है पब्लिक में वो कितना किया हुआ है? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट हो रही है वो कितने आ जाएगी यहाँ पे? 3 लाख. कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी आ गई? इशूड कैपिटल है 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब कंपनी ने यहाँ पे ऑफर कितना किया है? कंपनी कर रही है अप्लाई एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है कंपनी को? 28,000. अब कंपनी को तो 28,000 आई है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 200 शेयर वालों ने फाइनल कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं किया, यानी टोटल कॉल अप अमाउंट कंपनी पास सब्सक्राइब कितना हुआ? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना आ गया? 28,000 माइनस 200, 27,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ओके, इतनी आई, यानी कंपनी के पास टोटल अमाउंट कितना आ गया? 2,78,000. 2,78,000 ये क्या हो गई? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने के लिए अप्लाई एप्लीकेशन आया? कंपनी के पास 28,000 में से 200 का तो आया नहीं,
मनी कितने के लिए आई, 27,800 शेयर पे ऑफिस 10 ईच के हिसाब से 2,78,000। अब कंपनी कर रही है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कंपनी क्या कर रही है, 200 शेयर के पैसे नहीं आए हैं, यानी 200 इक्विटी शेयर, 200 सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के हेड में 200 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच, यानी कंपनी को मिलना कितना चाहिए था 10 रुपीस ईच के हिसाब से कंपनी को 2,000। ओके, लेकिन इसमें कॉल इन एरियस कितना हो गया, लेस कॉल इन एरियस, एरियस कितने कॉल इन एरियस हो गए इसमें, 200 इंटू 2 कितना नहीं आया, 400। ओके क्लियर, अब इतने तो पैसे नहीं आए तो कंपनी को मिला कितना, 1,600। ओके अब टोटल अमाउंट कितनी होगी कंपनी के पास, इसको ऐड किया तो आया यहां पे 2,79,600। फिर से हम लोग बात करते हैं, कंपनी ने ऑफर किया था 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीस ईच का, 5,00,000 ऑथराइज कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल में 30,000 3,00,000, और कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया था 28,000, 28,000 में से 200 ने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो कितने ने पेमेंट किया था, 27,800, फुली सब्सक्राइब में आ गया 2,78,000। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 200 इक्विटी शेयर पर स्टेट ईच 2,000, कॉलिंग एरियस कितना हो गया 200 2 के हिसाब से कितना हो गया 400, कंपनी ने रिसीव कितना किया 1,600, तो टोटल अमाउंट कितने आ गए 2,79,600। ओके अब देखो बाय डायरेक्टर के थ्रू कुछ है नहीं, बाय अदर्स में कुछ है नहीं, प्रॉफिटेड शेयर है नहीं, अब इसके बाद क्या हो गए कि यही अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे टोटल 2,79,600। ये अमाउंट कहाँ पे आ गई, ये अमाउंट टू बी सोन इन द बैलेंस शीट कितना आ गया 2,79,600, तो ये कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा यहाँ पे करंट ईयर कॉल में 2,79,600। ओके हेड आउट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे।